ये भी यहाँ पे कॉफ़ी मार रही है, इसके अंदर ये जो है कोयले डाले जा रहे हैं। योर नेम 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 माय नेम या याउस ओह गुड नेम। और ये है दुकान का अंदर से व्यू। मीट नो इन दिस नो मीट जस्ट वेजिटेबल व्हाट्स नेम स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल ओह इस तरह मस्जिद है, मस्जिद के साथ यहाँ पे ये जो ना खाना खाया जा रहा है माशाल्लाह। इस तरीके से यहाँ पे ये सर स्ट्रीट फूड है जी, यहाँ पे छोटा सा ये है जी अफ्रीका की मस्जिद। ये देखिए ऐसे यानी कि टीन वगैरह के साथ मस्जिद बनाई हुई है माशाल्लाह। अफ्रीका के अंदर आज हमारा ये पहला जुमा था, जुमा तो हम नहीं पढ़ सके, नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे। ये देखिए जमात हो रही है मस्जिद के अंदर और यहाँ पे ये देखिए मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे हैं। ये चेक कीजिए रोड के ऊपर ही अभी यहाँ से आगे कैसे गुजरे हैं हम, इस तरह भी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज हमने भी पढ़नी है। आज हमारा यहाँ पे जी दूसरा दिन है इस होटल के अंदर और ये इथियोपिया का 50 रुपये का नोट है, ये देखने लगा इस तरह का होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक गुड मॉर्निंग फ्रॉम इथियोपिया। तो आज हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है, कल हमने एक दिन का इनको किराया दे दिया था तो आज दूसरे दिन का किराया हमने इन्हें देना है। तो ये यहाँ पे रिसेप्शन है, वाते में उनको हम किराया देते हैं और फिर जाते हैं आगे नमाज के लिए। मानो बिल्ली, ये अफ्रीका की मानो बिल्ली देख लें, चलेगी देख के नीचे। सबसे पहले सभी को जुमा तो मुबारक। तो आज ये अफ्रीका के अंदर हमारा पहला जुमा है तो इंशाल्लाह मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पर जुमा की नमाज अदा करेंगे। तो बड़ी खुशी हुई कि ये जो लोग हैं ना जो मुसलमान हैं वो 5 वक्त के यहाँ पर नमाज नहीं आए। तो अभी बाहर मेन रोड वाली साइड पर जा रहे हैं, यहाँ से कोई आधा किलोमीटर के नज़दीक यहाँ पर मस्जिद है, नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद हमने टिकट करवानी है और फिर हम कल जाएंगे यहाँ से दूसरे सिटी के अंदर। बाकी मौसम भाईजान बहुत खुशगवार है, फुल मज़े वाला है, ठंडा ठंडा बारिश सारी रात होती है, रोज़ बारिश होती है, दिन को होती है लेकिन कम होती है, रात तो रोज़ ही होती है। हेलो भाईजान, यहाँ पे जो भी बंदा घूर के देखना उसको हेलो कह के काम चलाना पड़ता है। लाइनें लगी हुई, डबल लाइन लगी हुई है ठीक है यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ अगर आपने कोई 3-4 किलोमीटर भी जाना कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा, ऐसे गाड़ियाँ रुक रुक के जाती हैं। और ये एडिस अबाबा है, इथियोपिया का कैपिटल है, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्लाजे भी हैं, शॉप्स भी हैं। तो लेट हो गए हैं जी नमाज के लिए, जितने भी माशाल्लाह आ रहे हैं ये सभी लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं जुमा की। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे नमाजियों का। तो हमने तो कहा था शायद यहाँ पे भी 2 बजे होना है जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना तकरीबन 1 बजे का टाइम था, 1 बजे यहाँ पे जमा फाइनल हो गया है माशाल्लाह। ये देखें हमारे मुसलमान भाई, चले हम जो है ना, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम माशाल्लाह, अस्सलाम अलैकुम। ये जितना भी रश है ना ये सभी माशाल्लाह मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं नमाजी हजरात। और यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, कुछ जो हैं जैसे हमारे मसाजिद के अंदर अक्सर होते हैं भीख मांगने वाले, भीख मांग रहे हैं यहाँ पे। और इस तरफ माशाल्लाह मस्जिद है, मस्जिद के हम नज़दीक आ चुके हैं। ये है जी अफ्रीका की मस्जिद, ये देखें ऐसे यानी कि टीन वगैरह के साथ मस्जिद बनाई हुई है माशाल्लाह। अफ्रीका के अंदर आज हमारा ये पहला जुमा था, जुमा तो हम नहीं पढ़ सके, नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पे मांगने वाले पैसे भी मांग रहे हैं माशाल्लाह। इस मस्जिद के स्पीकर नमाज अदा कर ली, जुमा तो हमें नसीब नहीं हुआ, हमने सिर्फ जो है ना
ज़ोहर की नमाज यहाँ पे अदा की है। बाकी इस तरफ जो है ये जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं मस्जिद के लिए, ये इस तरफ। बाकी आपको मस्जिद के अंदर से भी दिखाते हैं कि अंदर से मस्जिद कैसी है। ये मुकम्मल इस तरीके से शीट की बनी हुई है। ये माशाल्लाह चेक कीजिए ज़रा इसके, ये जो सतून है ना ये लकड़ी के हैं, देखें भाईजान। और ऊपर भी लकड़ी का इस्तेमाल है, और ये शीट जो होती है ना चादर, ये वो लगाई गई सारी। बाकी यहाँ पे कोई पंखा नहीं है, बिल्कुल सादा सा सिस्टम है। इस मस्जिद के लिए भाईजान लाखों लाइक्स बनते हैं। ये अफ्रीका की मस्जिद, इसका जो कंट्री इथोपिया है और इसका जो कैपिटल एडिस अबाबा इसके अंदर है। ये पाकिस्तान के गन्ने तो आपने देखे होंगे, ये जी अफ्रीका का गन्ना देखें। ये 20 दिरका इसकी कीमत है और ये पाकिस्तान 100 रुपये का है। और ये भाई जान जो इसे सेल कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे भीख मांगने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये देखें ज़रा, ये माशाल्लाह बच्ची जो सीरिया से है। हेलो, तो अभी चलते हैं आगे मज़ीद। बादल आज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भाई जान देख रहे हैं हम बच्चे आपके पीछे ऐसे भागते हैं। जब आप इथोपिया के अंदर आते हैं, किसी भी अफ्रीका किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो ये बच्चे आपके पीछे लग जाएंगे, आपके कपड़े पकड़ लेंगे, ठीक है। तो बंदे कितनों को दे यहाँ पे, एक को देंगे तो 10 और आ जाएंगे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं जी, नमाज़ पढ़ ली, नमाज के बाद हम जा रहे हैं मस्कुल स्क्वायर। यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे जाके अपने टिकट बुक करवानी है। और सुबह हम यहाँ से निकल रहे हैं एडिस अबाबा से जिंका के लिए। यहाँ एक और जगह, उस जगह पर जाना है। और कल हम गए थे, कल वहाँ पर ऑफिस बंद हो गए, कल हमें टिकट्स नहीं मिली थी। देखे पॉलिश की दुकान और साथ कॉफ़ी रखी हुई है। ये देखे जी, इस तरफ जो है ना बारिश का पानी आ रहा है सारा, तो चेक कीजिए ज़रा। और यहाँ पे लोगों का ज़रा रहन सहन देखें, इस तरफ कैसे ये कचरे के ढेर पड़े उसके ऊपर इनको जा रहे हैं। कोई यहाँ पे साफ सुथराई नहीं है इतनी ज़्यादा। यहाँ पे रोड्स के ऊपर है, लेकिन ये जो नीचे बैकवर्ड एरिया ना, यहाँ पर जो है ना सफाई बिल्कुल नहीं है, और ये बारिश का पानी है। अक्सर लोग जब मिलते हैं बड़ा मुस्कुरा के मिलते हैं, और अक्सर जो है ना जब कैमरा उनकी तरफ करो वो घूरते हैं जैसे वो कच्चे को खा जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि इनको हेलो हाय करके इनको जो है ना मौके को मुनासिब समझ के वहाँ से गुजर जाएँ। अक्सर लोग तो कैमरा देख के आवाज़ें कसते हैं, तो बस थोड़ा सा रात के टाइम यहाँ पे डर लगता है, क्योंकि रात के टाइम भाई जान यहाँ पे स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। दिन को भी होती है लेकिन कम होती है। फर्स्ट प्राइस 35। और अगर पाकिस्तान से अगर इसको आप 5 हज़ार देंगे तो फिर आपके पास इसकी कीमत निकल आए कितने बनते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। हाउ मच प्राइस? हाँ 20 बीर। ये 100 रुपये का है जी समोसा, यहाँ पे हाथ हम नहीं लगाते इसको। इस तरफ ये देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज 20। नो नो, नेम नेम या बिस्कुट? बिस्कुट, ये यहाँ पे जी बिस्कुट मान रहा है। और इस तरफ ये चिप्स हैं। योर डॉटर? योर डॉटर ही गोइंग स्कूल? नॉट गोइंग? नो नो। 20 बिट कम ले रहे हैं चिप्स इनसे। हर दुकान के बाहर जो ना इस तरीके से घास थोड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये है जी यहाँ पे कॉफ़ी, इस तरीके से जब बनाते हैं। इस तरफ जो है ना ये आग जल रही है, और साथ में ये जो है ना कप रखे हैं छोटे छोटे। और ये यहाँ पे कोई ब्रेड है, ये देखें जी ब्रेड। और दिस नेम है अम्बाशा। और इस नेम हाँ बिस्कुट, ये बिस्कुट है। और ये अम्बासा है। योर गुड नेम? योर नेम 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 माय नेम या यस याउस? ओह गुड नेम। और ये है जी दुकान का अंदर से व्यू, देखे जी यहाँ पे इस तरीके का ये सारा सीन है। प्राइस कॉफी या 15 फॉर वन वन कप। एक कप की जो है ना कीमत 50 बीर, और पाकिस्तानी 250 रुपये बनते हैं। इन पाकिस्तानी रुपीज़ 250 हंड्रेड
सो मच ये है जी यहाँ पे इस तरीके से कॉफ़ी शॉप होती है और बाकी आपको बाहर का भी हम व्यू करवाते हैं। ये जो काफ़ी है ना भाई जान काफ़ी कड़वी होती है, अभी ट्राई नहीं की, देखते हैं अगर दिल करता तो ट्राई करते हैं। और इस तरफ ये जो ट्रैक है ये इनका जो मेट्रो का वो है, मेट्रो स्टेशन यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया, देखते हैं आज शायद हम इसको भी ट्राई करें। इथियोपिया की जो मेट्रो है यहाँ पे जितनी भी ये दुकानें हैं ना फुटपाथ की साइड पे सभी इसी चीज़ की हैं। इस तरफ जाना ये फ्लावर की शॉप है और इस तरफ जाना ये कॉफ़ी की शॉप है। बाकी यहाँ पे ये इसकी लोकल बस देख लें भाई जान, बहुत टूटी हुई यहाँ पे बसें हैं, लोकल बसें जो हैं यहाँ पे। इस तरफ भी इसमें हेलो हो आर यू फाइन मीट नो इन दिस नो मीट जस्ट वेजिटेबल व्हाट्स नेम स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल ओ प्राइस स्पाइसी नो स्पाइस नो नो प्राइस प्राइस कीमत No. प्राइस हाउ मनी हाँ हाउ मच हाउ मच 50 बीर का जी यहाँ पे एक रोल और पाकिस्तान में ये तकरीबन 250 बंदे। और ये समोसा इन पाकिस्तान समोसा हाँ इट्स नेम इन पाकिस्तान समोसा। और ये ब्रेड व्हाट प्राइस ब्रेड पोटैटो इन दिस स्पाइसी इट्स ओके ओके। ये है जी यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रीट फूड। और यहाँ पे जितने भी माए ना वो अक्सर मैंने देखी इस तरीके से बच्चों को अपने पीछे ना बांध के रखती हैं, उठाते नहीं इनको। ओके थैंक यू ब्रदर थैंक यू भाई जान। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो है ना वो अक्सर औरतें ही काम करती हैं दुकानों के अंदर। आपको एक फूलों की दुकान आप दिखाते हैं ये कैसी है और इनकी कीमत क्या क्या है, जैसे हमारे पाकिस्तान में दुकानें होती हैं ना सेम ऐसे ही है। लेकिन फूल देखें नेचुरल या आर्टिफिशियल नेचुरल नेचुरल ये देखें जी नेचुरल ये देखें जी। अभी अंदर आ गए हैं शॉप के, यहाँ पर ये चीज़ चेक करें। योर गुड नेम सबला सबला सो ब्यूटीफुल शॉप नाइस थैंक यू सो मच वेलकम वेलकम। ये है जी इसी के दुकान यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे केले देखें भाईजान अफ्रीका के साइज देखें कितना बड़ा है। और इसका जो है ना ये यहाँ पे 10 केले हमें मिल रहे थे 60 क्या कीमत कीमत प्राइस 60 में। और अगर आप पाकिस्तानी साहब इसका निकालना है तो 5 से आप इसको ज़रब दे लें इस तरीके की यहाँ पे मार्केट है। ये देखें जी काफ़ी महंगा है भाई जान इथियोपिया काफ़ी महंगा है। ओके मकाटो व्हाट इज मकाटो हाँ मकाटो इट्स फुल 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 आई ट्राइड। ये फल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, किसी जगह के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सफाई है और किसी जगह के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गंदगी है बहुत ज़्यादा। हेलो हाउ आर यू ये देखिए जी यहाँ पे अफ्रीकी बच्चे बांटे खेल रहे हैं ये देखिए इथियोपियन बच्ची माशाल्लाह देखें जी यहाँ पे ये देखें जमात हो रही है मस्जिद के अंदर और यहाँ पे ये देखें मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे हैं। ये चेक कीजिए रोड के ऊपर ही अभी यहाँ से आगे कैसे गुजरे हम इस तरह भी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज हमने भी पढ़नी है लेकिन माशाल्लाह वो आगे तक जो है रोड के ऊपर ही नमाज पढ़ रहे हैं। गाड़ियाँ सारी रुक गई हैं नमाज के टाइम भाई जान, अफ्रीका के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है भाई जान। आए हैं मस्जिद के अंदर लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश है माशाल्लाह, नमाज़ जो नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे हैं तो देखते हैं जी हम भी जाकर नमाज अदा करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ मस्जिद के बाहर होते हैं ना ये तस्वीरें वगैरह ये टोकियाँ
सेल की जा रही है, यहाँ पे परफ्यूम है और ये स्टोन ब्रीटर का स्टार लगा हुआ है। हमें शॉपर दे दिया गया है कि आप जो जूते इनके में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जूते जो ना वो जैसे हमारे यहाँ तो उठा रही है, तो हमारे ऐसे जो ना उठाए जाते हैं। सामने जो ना लोग वजू कर रहे हैं, इसका वाशरूम है और पीछे जो ना वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ अदा कर ली है हमने असर की। बाकी माशाल्लाह एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, यहाँ पे जो मुसलमान है वैसे यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो क्रिश्चियन की है, लेकिन जो मुसलमान है वो भजन नमाज़ पढ़ते हैं पांच वक्त। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रश था। तो अभी जाते हैं बाहर और बारिश भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ लंडा लगता है ना पाकिस्तान में कपड़े वगैरह वहाँ पर सेल किए जाते हैं, तो सेम यहाँ भी वही चीज़ है। ये देखें स्टैंड बने हुए लकड़ी के, और अभी रास्ता भूल गए थे, अभी जा रहे हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे जो है ना कपड़े सेल किए जाते हैं, इनके एक दिन होता है मखसूस, उसी दिन यहाँ पे जब अपने कपड़े सेल करते हैं। सामने जो नज़र आ रहा है ये है जो टिकट ऑफिस, यहाँ से हमने अपनी बस की टिकट लेनी है। लेकिन जो है ना बाहर बहुत सारे लोग होते हैं, उनका कमीशन होता है, आपने उनके पास नहीं जाना, अपने टिकट ऑफिस जाना, वहाँ से आके आपने टिकट परचेज करनी है। ये देखिए इस तरफ जो है ना वो खड़े हैं, आवाज़ें दे रहे हैं कि आओ टिकट ले लो, लेकिन हमने बोला नहीं जी, हमने तो सिर्फ यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं। अभी दूसरी साइड पे जाते हैं, वो देखो कैसे भाग आ रहे हैं। नो टिकट, जस्ट हिमसेल्फ। ये टिकट परचेज कर ली है, हमें अरबा मिर्च की टिकट तो नहीं मिली, लेकिन हमें मिली है जी आवासा की। ये बस सर्विस है या गैना बस ट्रांसपोर्ट PLC, और ये हमें मिली है जी 680 रुपये की पाकिस्तानी बनने के, उनको 3200 रुपया। तो जाना समझा अरबा मिल था, लेकिन लेट हो गए हैं क्योंकि नमाज़ पढ़ने चले गए, नमाज़ के बाद घूमते हुए आए हैं, फिरते फिरते तो कह रहे भाई जान जितनी भी हैं बस सर्विस सभी की टिकट्स खोल लें। अगर आपने एडिस अबाबा से जाना होगा ना अरबा मिंच के लिए, तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम आके आप जो ना यहाँ से अपने टिकट बुक करें। तो अभी हमने ये सेंटर में एक सिटी आता है वासा, उसकी टिकट लिए, फिर वहाँ से हम बस चेंज करें दूसरी जो अरबा मिंच है वहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये इनका लोकल लिबास है जी, ये देखे बच्चों ने पहना हुआ है, बच्चे तो नहीं है इनके, इन्होंने जो बूथ होते हैं वो लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये चेक कीजिए जी कुछ ऐसा यहाँ पे लोकल। व्हाट्स प्राइस दिस 2500 एंड दिस प्राइस 5000। ये देखे यहाँ पे जी ये लाइक यहाँ पे भी जाती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है। ये जो आपको आवाज़ आ रही थी नेटवर्क की, आपने इसको ना माइंड नहीं करना। तो सुबह हो गई है, अभी भी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, ये चेक कीजिए रोज़ बारिश। तो रात को आगे थे हम, फिर से बराते अपने टिकट जो थी वो परचेज कर ली थी, हमें अरबा मिंच की नहीं मिली, एक सेंटर में एक सिटी आता है वहाँ की हमें टिकट दे दिया, तो वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से जाके आगे बस चेंज करके फिर हम जाएंगे अरबा मिंच के लिए। तो यहाँ पे देखो जो मुसलमान हैं ना और जो क्रिश्चन हैं, ये यहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता जैसे अक्सर हाँ हमारे पाकिस्तान में होता है कि तू मुसलमान है, तू ईसाई है, तू शिया है, ये अब वो। हालांकि मैं किसी को बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक काम बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे फिरका वारियत नहीं है। जो मुसलमान है ना वो इनके रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे, बाकी जो क्रिश्चन हैं वो यकीन माने इस मज़हब की, इस्लाम तो वैसे जो मज़हब बहुत ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि जब वो लोग रोड के ऊपर नमाज़ पढ़ रहे थे ना मुसलमान, तो बाकी जितने भी हालांकि मेजोरिटी क्रिश्चियंस के, उन लोगों ने जो ना अपनी गाड़ियाँ रोक दी, अपना काम जो रोक कर दिया नमाज के दौरान, ठीक है। और वो ये नहीं है कि आगे से गुजर रहा हो पीछे से गुजर रोड से ऊपर, क्योंकि मस्जिद फुल हो चुकी थी, तो वो लोग अपना काम रोक के मुसलमानों के लिए उन्होंने गाड़ियाँ बंद कर दी कि ये लोग नमाज पढ़ रोड के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुसलमानों को खुली आज़ादी है, जैसे मस्जिद नमाज पढ़े अपना जो ना अपने मज़हब के हिसाब से, जो मर्जी यानी कि जो इनके त्यौहार वगैरह वो करें, यहाँ पे कोई सख्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इथियोपिया के अंदर, ठीक है। बाकी जब हम कीनिया के अंदर जाएंगे, युगांडा, रिवांडा, तंजानिया, ब्रुंडी, तो वहाँ पे जाकर देखेंगे कि क्या सीन है वहाँ पे।
तो बाकी आज हमने यहाँ से चले जाना है, तो एडिस लोगों को अल्लाह कुछ कह देना है, दुआ करें कि बारिश रुक जाए और हम यहाँ से जो अपना सफ़र स्टार्ट करें। तो मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक नए ट्रैवल ब्लॉग के अंदर, एक नई जर्नी के अंदर। तब तक मैं मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।